तो हाय गाइस, सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कार्टून करेक्टर वाले अपने फ़ोटो कैसे बनाने हैं। तो आपको इसके लिए ट्रेंडिंग में जाना है, और वैसे भी आप सर्च कर सकते हो, ये टून ऐप है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आपको इसको डाउनलोड पर लगा देना है। जब तक आप इसको डाउनलोड कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कुछ 25 MB की ऐप है जो जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम इस ऐप को अभी ओपन कर लेते हैं, जो कि हमारी डाउनलोड हो चुकी है अभी। अगर आप चाहें तो आप जाके इसको ओपन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। तो आपको इसको कंटिन्यू कर लेना है। जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे तो इसका कुछ परचेज प्लान और कुछ फ्री में है। तो फ्री के लिए जो ऊपर क्रॉस का बटन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा वेट करने के बाद आएगा। उसके बाद आपको ये सीधा आपकी गैलरी में ले जाएगा, जहाँ पे आपके फोटोज़ होंगे, जिनसे ये आपको बताएगा कि आप फ़ोटो बना लीजिए, या फिर आप सीधे नीचे से गैलरी पे क्लिक करके अपनी गैलरी के फोल्डर्स में जा सकते हो, जिस भी फोल्डर में आपको जाना है। और आपको अपनी जो भी फ़ोटो आपको लगानी है, उस फोटो को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको वापस आना है इस ऐप के अंदर। तो एक बार मैं अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनमें से कोई एक मैं फ़ोटो अपनी सिलेक्ट कर लूँगा, जिसको मैं ऐप के थ्रू अपडेट करूँगा और अपना कार्टून कैरेक्टर बनाऊँगा। तो इनमें से कोई भी एक ऐप फ़ोटो मैं चूज़ कर लेता हूँ। और ये हमारी ये फ़ोटो, जैसे आप इसको चूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके फेस को कैप्चर करेगा और वहाँ पे जूम करेगा। तो आपको जितनी भी अपनी फ़ोटो चाहिए, आप उसके हिसाब से इसको क्लिक कर लीजिए। तो मुझे इतनी चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दूंगा। तो हमारी ये यहाँ पर कार्टून ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ड्राइंग स्टार्ट होने के बाद नीचे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, आपको ये नहीं सिलेक्ट करना। आपका ऊपर कुछ देर बाद लोगो आएगा क्रॉस का, वो आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसको क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐप ऐड दिखाई देंगे। आपको ऐड स्किप नहीं करने हैं, आपको ऐड देखने पड़ेंगे। और लास्ट में ऊपर क्रॉस का बटन आएगा, तो आपको उस क्रॉस को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा फ़ोटो बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे मैं सेव के ऊपर इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकता हूँ। और ये हमारी सेव हो चुकी है। अभी मैं गैलरी में ले जाके आपको दिखाता हूँ कि हमारी ये फ़ोटो सेव हुई है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है कि आपकी फ़ोटो सेव हो गई है। तो अभी मैं गैलरी के अंदर आपको लेके जाता हूँ। जब हम गैलरी को ओपन करेंगे तो रिसेंट्स में आपको ये नॉर्मली दिख जाएगी। मैं देखो रिसेंट्स ओपन करता हूँ तो हमारी ये फ़ोटो मुझे दिख गई है। ये वाली जो है कुछ ऐसी फ़ोटो आपकी दिखेगी, और इसका लोगो दिखेगा अगर आप पेड वाला वर्जन नहीं खरीदते हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कार्टून कैरेक्टर कैसे बनाना है। तो आपको कोई भी फ़ोटो जो है ये ले लेनी है। इस फोटो को आपको जूम करना है, देखो इसके अंदर दिखा भी रहा है कि आपको जूम कैसे करना है और कम कैसे करना है। और आपको ये फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, उसके लिए आपको ये घिसानी पड़ेगी फ़ोटो। तो नीचे का इसका वो एरिया है, वो आपको रब करना पड़ेगा। और इसमें है ना अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, इनमें से जो भी कैरेक्टर आप चाहो तो आप अपना चेहरा उस कैरेक्टर के ऊपर लगा के अपना कार्टून एनिमेशन बना सकते हो। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं फ़िलहाल इसके अंदर जो सारे ऑप्शन है वो तो हम देख ही लेंगे। उसके बाद अभी हम अपनी दूसरी एक फ़ोटो पर जाएंगे, जो फ़ोटो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। उससे पहले मैं आपको इसके सारे फीचर्स दिखा देता हूँ। इसमें बहुत सारे नीचे फीचर्स हैं, ऑलमोस्ट सारे पे फ्री हैं। इनमें से कुछ एक है जो पेड हैं, जैसे ये वाला पेड है, और उसके अलावा सारे फ्री भी हैं इसमें बहुत सारे। तो आप इनमें से कोई भी करेक्टर अपना चूज़ कर सकते हो। अभी मैं अपनी एक दूसरी फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा, जिस पर मैं अपना चेहरा लगाऊँगा, और उसके बाद उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और इस फोटो के ऊपर उसको सेलेक्ट करके मैं अपना एक छोटा सा कार्टून बनाऊंगा। तो उसके लिए हमने ये चेहरा ले लिया है, ये चेहरा हमारा प्रोसेस हो रहा है। जैसे ये चेहरा हमारा कार्टून में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको वेट करना है, ऊपर जो आपका क्रॉस का एक्शन आएगा उसको क्रॉस करना है, उसके बाद ऐड देखना है। उसके बाद आपका ये चेहरा कम्प्लीट हो गया। नीचे आपको सेलेक्ट करना है अपना कार्टून करेक्टर, जिस पर भी आपको यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि आपको कैसे कैसे इसको रब करना है, तो आपको नीचे से इसको इरेज कर देना है। तो हम एक बार इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से। तो ये हमारी फ़ोटो ऑलमोस्ट इरेज हो चुकी है। और जैसे ही हमारी फ़ोटो इरेज हो जाएगी तो हम उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते ही हमारी ये जो फ़ोटो है उस कैरेक्टर के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद हम दोनों हाथों से स्क्रॉल करके इसको इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, हाइट इसकी ज़्यादा कम ज़्यादा करके, जैसे भी हम इसके चेहरे को ऊपर नीचे करेंगे और देखेंगे हमें कितना बड़ा चेहरा इसके ऊपर लगाना है, तो उस हिसाब से हम चेहरा लगा देंगे इसके ऊपर। और चेहरा लगाने के लिए आपको इसको एडजस्ट करना है, आपको ना ध्यान से इस चीज़ को देखना है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट फ़ोटो इसके अंदर आप अगर आप एडिट करोगे तो बहुत अच्छी आएंगी, लेकिन अगर आप चेहरा ध्यान से नहीं देखोगे और चेहरा ध्यान से एडजस्ट नहीं करोगे तो आपका अच्छे से फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाएगा और अच्छा सा करेक्टर नहीं बन पाएगा।
तो ये जैसे मेरा सिलेक्ट हो गया, मैंने इसको सेव कर दिया है। और इसके अंदर ऑप्शन है मिनी इमेज का, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपका मिनी इमेज यहाँ पे इसके बराबर में आ जाएगा। तो अभी मैंने अपना ये कैरेक्टर सेव कर दिया है। ऐसे ही आप भी अपना कैरेक्टर सेव कर सकते हो और इसके अंदर अपने कैरेक्टर्स की फोटो वीडियो बना सकते हो। और उसके अलावा इसके अंदर आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ भी आप इसको शेयर करना चाहो वहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हो। और आप अपने दोस्तों के साथ इसको ऐप को भी शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को भी शेयर। तो दोस्तों यही वीडियो थी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।